दोस्तों वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में लगाने के बाद भी इंटरनेट कैसे चालू करेंगे। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह बताऊं कि आप अपने एरोप्लेन अपने मोबाइल को यानी कि स्विच ऑफ करने के बाद भी आपका इंटरनेट चालू रहेगा तो वो कैसे रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पर मैंने वाईफाई बंद कर रखा, मैंने वाईफाई से किसी को मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर रखा है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको डाटा ऑन करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों इस तरह से नेट चल रहा है मेरा भी, ठीक है। अब मैं आपको देखिए एरोप्लेन मोड में लगाता हूँ और इसको अभी दोबारा से अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी इंटरनेट नहीं चालू है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद भी यानी कि एरोप्लेन मोड लगाने के बाद भी अपने इंटरनेट को कैसे चालू करेंगे। तो आज की इस वीडियो बने रहिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा वो क्या सेटिंग करनी है आपको। तो दोस्तों वीडियो पर पूरी वीडियो को आपको देखना, ठीक है। इससे दोस्तों क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, मान लीजिए आप अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम आते हैं तो आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये फ़ायदा दोस्तों। कभी भी आप अपने YouTube एप्लीकेशन में कोई काम कर रहे हैं यानी YouTube पे लाइव आना चाह रहे हैं और आपको कोई कॉल करके परेशान ना कर पाए, इसलिए इसको आप अपने एरोप्लेन मोड लगा के आप अपने लाइव स्ट्रीम आराम से कर सकते हैं YouTube एप्लीकेशन में, ठीक है। यानी कि YouTube पे वीडियो अपलोड भी करनी है तो कोई अचानक से कॉल आ जाता है, तो इस तरह से दोस्तों इसमें यह फ़ायदा कि आप अपने एरोप्लेन मोड लगाने के बाद भी अपने फ़ोन का इंटरनेट आपका चालू रहेगा, आप आराम से अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं। यानी Facebook पर किसी पर भी कोई भी Facebook पर काम कर रहा हो किसी पर भी अपना काम कर सकते हैं, आराम से लाइव आ सकते हैं, इससे ये फ़ायदा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अगर एरोप्लेन लगाने से पहले आपको इंटरनेट आपका जो डाटा है उसको ऑन करके फिर एरोप्लेन मोड लगाना है, यानी कि आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्विच ऑफ कर लेना है इसको। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से आपको पहले से ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं अपना यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया, ये अभी नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि नेट कैसे चलेगा, ठीक है। अभी आपको ये डाटा चल गया, यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए इतना बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी इंटरनेट चालू है, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, आपको क्या करना, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपको एरोप्लेन मोड करके बताऊंगा और उसके बाद इंटरनेट भी चालू करके बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर ओपन जाना, एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करनी पहले से ही, यानी कि मोबाइल बंद करने के पहले यानी इंटरनेट बंद करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको लाइट 4G लाइट 5G करके इस तरह से एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्ले स्टोर पर इस तरह से सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा लाइट ओनली 4G 5G, इस तरह से आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से कर रखी है, मैं आपको बता रहा था कि कौन सी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको डाउनलोड कर लेनी, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको ओपन करने से पहले आप देखिए इसको नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद देखिए आप, मैं पहले आपको यहाँ पर बैक हो जाता हूँ, ठीक है, ऊपर आपको दिखा देता हूँ पहले। अब देखिए इसको मैं एरोप्लेन मोड में कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो डाटा ऑन करने के बाद आपको एरोप्लेन मोड पर लगा देना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ऊपर देख सकते हैं मैंने किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा है। अब देखिए दोस्तों उस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फिर इसको नेक्स्ट कर देना, ठीक है, नेक्स्ट कॉर्नर पर आएगा, इस तरह से नेक्स्ट कर देना आपको। उसके बाद अलाउ दे देना, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपको एक्सेप्ट यूज पॉलिसी पे आपको क्लिक करना, उधर फिर गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना, इस एप्लीकेशन को आराम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इस तरह से आपको अलाउ कर देना, ठीक है, यानी कि परमिशन अलाउ कर देनी है। इसके बाद देखिए मेथड 2 एंड्रॉयड 11 प्लस आपको दूसरे नंबर पर ऊपर कॉर्नर पर इस तरह से एप्लीकेशन दिखेगी, तो दोस्तों इसको आपको उस पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन ऑन उस पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा मोबाइल रेडियो पावर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दिखेगा मोबाइल रेडियो पावर, इधर देखिए कहाँ ये मोबाइल रेडियो पावर दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, या ये बटन आपको ऑन कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोबाइल रेडियो पावर इस तरह से यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन पे आपको कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ये आपको बटन ऑन कर देना, ऑफ है ये, ठीक है। जैसे दोस्तों इसको ऑन कर देते हैं आपका इंटरनेट चालू होने लगेगा। देखिए अभी मैं आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इंटरनेट चालू होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर देखिए 2 मिनट रुके, अभी देखिए यहाँ पर डाटा
चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरा इंटरनेट आपका चालू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, और मेरा इंटरनेट अभी भी चालू है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वीडियो ओपन कर दी। ठीक है, ये देखिए वीडियो चल भी रही है। ठीक है, और ऊपर देख सकते हैं आपको एरोप्लेन मोड भी लगा हुआ दिख रहा है ऊपर, देखिए बैटरी के बगल में। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।